मैं आपको समझा रहा हूं, आइए अब सीधे सीधे मैं यहां से चलता हूं पूरब की तरफ, मगरबी बंगाल की तरफ, और वहां से एक तंज मजाह का शायर जो बड़े बड़े मुशायरों की जीनत बनता है आज हमारे बीच मौजूद हैं, जनाबे एरम अंसारी कलकत्वी। मैं उन्हीं के चार मिसरों से उनको आवाज देना चाहता हूं। ये उन्हीं के चार मिसरे हैं कि बाल सर के झड़ गए 50 से ऊपर इश्क में, बाल सर के झड़ गए 50 से ऊपर इश्क में, अब बाकी जो सर पर बचे थे वो झड़े शादी के बाद। बाल सर के झड़ गए 50 से ऊपर इश्क में, अब बाकी जो सर पर बचे थे वो झड़े शादी के बाद, और अपनी किस्मत के लिखे ने कर दिया रुसवा हमें, अपनी किस्मत के लिखे ने कर दिया रुसवा हमें, होश भी आया तो साला पूरी बर्बादी के बाद। जनाबे एरम अंसारी कलकत्वी माइक पर। जो कुछ मैंने कहा बिल्कुल आप देख सकते हैं, इनकी नजर चार मिसरे इरशाद कि कहां से ढूंढ कर लाए हो ठाकुर, क्या बात है, कहां से ढूंढ कर लाए हो ठाकुर कि मन के साथ तन भी डोलता है, गजब का रक्स करती है ये जालिम बदन का हर इलाका भूलता है, क्या बात है, गजब का रक्स करती है ये जालिम बदन का हर इलाका बोलता है। और चार मिसरे ये के तेरे वजूद में बेगम वो हुस्न है पिन्हा, तेरे वजूद में ये तजुर्बा आपका है जी, जी उसकी रहनुमाई हम कर रहे हैं। तेरे वजूद में बेगम वो हुस्न है पिन्हा, उसी की चाह में दुनिया लुटा रहा हूँ मैं, अब इससे बढ़ के कोई प्यार क्या करे तुझसे कि तेरे बाप का खर्चा चला रहा हूँ, क्या बात है, वाह 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 वाह, अब इससे बढ़ के वाह 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 वाह, कि तेरे बाप का खर्चा चला रहा हूँ मैं। चार मिसरे ये देखिए अपनी मतलब नज़र के पढ़ने लिखने से नहीं गंजा हुआ, पढ़ने लिखने से नहीं गंजा हुआ सर मेरा गंजा हुआ शादी के बाद, क्या बात है, पढ़ने लिखने से नहीं गंजा हुआ सर मेरा गंजा हुआ शादी के बाद, जर्ब बेलन से न वाकिफ था कभी माँ कसम वाकिफ हुआ शादी के बाद, क्या बात है, पढ़ने लिखने से न वाकिफ था कभी ये जर्ब बेलन से न वाकिफ था कभी सर मेरा गंजा हुआ शादी के बाद। ये शादी मोहब्बत की थी इसलिए चार मिसरे ये भी देखिए कि यूं तो मेरी जिंदगी में अनगिनत हैं हादसे, यूं तो मेरी जिंदगी में अनगिनत हैं हादसे, जिंदगी के हादसों में हादसा है ये बड़ा, बन गई बीवी मेरी जो तिरछी नजरों के तुपैर, मुस्तकिल तिरछी नजर था ये नहीं मालूम था, क्या बात है, वाह वाह वाह, बन गई बीवी मेरी जो तिरछी नजरों के तुपैर, मुस्तकिल तिरछी नजर है ये नहीं मालूम था। और ये भी चार मिसरे अपनी ही नजर के, यूं मेरी तरह प्यार निभाना सबके बस की बात नहीं, मेरी तरह यूं प्यार निभाना सबके बस की बात नहीं, हीरो से जोकर बन जाना सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं, गले लगाए जूझ रहा हूँ बेवा एक पड़ोसन को, जे गले लगाए जूझ रहा हूँ बेवा एक पड़ोसन को, ढोल बजाना वो भी पुराना सबके बस की बात नहीं, ढोल बजाना वो भी पुराना सबके बस की बात नहीं। और चार मिसरे ये देखिए कि हमें पासे अदब का मोहतरम है खूब अंजादा, हमें पासे अदब का मोहतरम है खूब अंदाजा,
किसी सूरत अदब को हम कभी रुसवा नहीं करते। जमाना बाप का खर्चा उठाकर शोर करता है, जमाना बाप का खर्चा उठाकर शोर करता है, ससुर का घर चलाकर हम कभी चर्चा नहीं करते। और चार मिसरे ये देखिए आखिरी बहुत शोरा है कि यूं तो मेरी जिंदगी में अनगिनत हैं हादसे। ये सुना चुके? अच्छा थोड़ा सा भी आ गया, ये इसलिए आपका सहारा। कोई बात नहीं है, सुनाइए सुनाइए। लिए तनख्वाह जब भी लौटता हूँ अपने दफ्तर से, लिए तनख्वाह जब भी लौटता हूँ अपने दफ्तर से, मुकद्दर अपना यारो बस उसी दिन जगमगाया है, उसी दिन गुनगुनाती है ये नगमा ओली बेगम, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। चार में से ये नौजवान दोस्तों की नजर के फंसी है लॉटरी जब से हमारी, फंसी है लॉटरी जब से हमारी, हमें सर पर बिठाया जा रहा है, दिखा कर मुर्गियां अपने घरों से हमें मुर्गा बनाया जा रहा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। शुक्रिया जनाब, कलकत्ता से आए हैं, कम से कम इसका भी तो लिहाज रखिए। कोई तो कहीं से तो आया ही है, कलकत्ता वापस जाना भी है। कलकत्ता ही, कलकतिया ही जुबान की ये चार मिसरे सुनिए, कलकतिया जुबान जानते हैं, मजा आएगा कि ये मैं फिले शेरो अदब का ईठो मंजर देख कर, मैं फिले शेरो अदब का ईठो मंजर देख कर, आंख तो रोइस तो रोइस, दिल जिगर भी रो गई, आंख तो रोइस तो रोइस, दिल जिगर भी रो गई, मीरो गालिब कर गई है जब से इस दुनिया से पूछ, औना बौना अलवा कलवा सब सुगंधवर हो गई। क्या बात है, सुगंधवर हो गई। चार मिसरे ये देखे के ये छोड़कर माँ बाप का घर और द्वार, छोड़कर माँ बाप का घर और द्वार, जब से कलुआ जा बसा ससुराल में, छोड़कर माँ बाप का घर और द्वार, जब से कलुआ जा बसा ससुराल में, माँ बहन से कपड़े धुलवाता था जो, धोबी बनकर है पड़ा ससुराल में, माँ बहन से कपड़े धुलवाता था जो, धोबी बनकर है पड़ा ससुराल में। और चार मिसरे ये देखे के अपनी मनमानी का, अपनी मनमानी पे चलने का नतीजा देखिए, वक्त के सांचे में ढलने का नतीजा देखिए, अपनी मनमानी पे चलने का नतीजा देखिए, वक्त के सांचे में चलने ढलने का नतीजा देखिए, धो झूठे बर्तन धो रहा हूँ माँ कसम ससुराल में, झूठे बर्तन धो रहा हूँ माँ कसम ससुराल में, गेंद के जैसा उछलने का नतीजा देख, झूठे बर्तन धो रहा हूँ माँ कसम ससुराल में। और फिर बाद में और तो है आप लोग अभी एरम अंसारी साहब ससुराल की बातें पेश करते करते अचानक खामोश हो गए। वो एक बार का, हाँ जरा तालियों से आप लोग, एक बार का वाकया है कि मुझको भी कलकत्ता जाने का इत्तफाक हुआ, एरम साहब के यहाँ गया तो देखा कि बीवी से लड़ रहे हैं, बीवी जो है जबरदस्त इनको सुना रही है कि आप किस बात पर गुमान करते हैं, किस बात पर आप इतना इतराते हैं, किस बात पर आप इतना चिल्लाते हैं, ये जो मोटरसाइकिल लगी हुई है मायके से लेकर आई है, ये जो पलंग दिखाई दे रहा है ना ये भी मायके से लेकर आई है, ये जो आप पहने हुए हैं सूट ये भी मैं मायके से लेकर आई हूँ, किस बात पर इतरा रहे हैं, ये जो दो ठो बच्चे दिखाई दे रहे हैं ये भी मैं मायके से लेकर आई।
मैं समझ गया कि क्यों ससुराल की बात आते आते इनकी जबान थोड़ी सी लड़खड़ा गई। आपने बहुत मजा लिया, आगे भी अभी हमारे पास अचानक मौजूद हैं और भी कुछ छुपे रुस्तम हैं जो आपके सामने तंज मजाक की शायरी लेकर आएंगे।